नमस्ते सभी को। मैं जितने भी हमारे अम्मा बाबा बूढ़ी बूढ़ा जो ओल्ड एज पेंशन, उसके बाद विधो और जो बीपीएल का जो मिलना चाहिए था और ए वे मिलना चाहिए, इन सभी को मैं अपील करता हूँ बार बार। मेरा तरफ से आप सबको बता रहे कि यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश यानी कि डायरेक्टर का लेवल का यहाँ से ऑर्डर दे चुका है आपका डीसी को, जितना भी डिस्ट्रिक्ट का डीसी को ऑर्डर दे चुका है कि जो जो ओल्ड एज पेंशन नहीं मिल रहा है उसका जैसे भी ओल्ड एज पेंशन लगा दो, और विधो का जिसको विधो का पैसा नहीं मिल रहा उसको क्यों नहीं मिल रहा उसको जांच पड़ताल करो बोल के ऑर्डर दे दिया है। और दूसरी बात, हमारा जो बीपीएल एएवाई उनका चावल के लिए जो जिसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, उन सभी के लिए यहाँ से ऑर्डर दे चुका है। आप सभी को मैं अपील करता हूँ कि जितने भी ग्राम पंचायत लीडर लोग है और या तो कोई सेक्टर का होता है, सेक्टर का जो यूथ फॉर्म या कोई चेयरमैन सेक्रेटरी होता है, उन सभी को मैं अपील करता हूँ, या बस्ती का जो लोग होता है उन सभी को मैं अपील करता हूँ प्लीज़। और अपना जो बूढ़ी बूढ़ा है जाके ये डीसी का साथ में बात कीजिए कि ओल्ड पेंशन क्यों नहीं मिल रहा है, और ये जो 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 बीपीएल एएवाई नहीं मिला है उन सभी बूढ़ी बूढ़ा को ले जाके आप लोग बात कीजिए, क्योंकि हर जगह में हम लोग आने नहीं सकते और स्पेशली हम लोग के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के कारण हम लोग हर जगह नहीं आ पाता है। तो इसलिए मैं हर सभी जितने भी पब्लिक से मैं अपील करता हूँ, आप लोग प्लीज़ थोड़ा जाके बूढ़ी बूढ़ा लोगों को हेल्प कीजिए, जो जो जिसको जिसको एएवाई बीपीएल मिलना चाहिए। और स्पेशल जो फेयर प्रेस शॉप है, आप सभी को मैं ये क्लियरली ये वार्निंग दे रहा है, और आप लोग बेकार में चावल को मन मर्जी बिक्री करेगा वो आप लोग के लिए प्रॉब्लम होगा। वह यहाँ से ऑर्डर दे दिया है चावल को मन मर्जी बिक्री नहीं करना है, और चावल को आप लोग जितना रेट है उस रेट पर बिक्री कीजिए। आप लोग मन मर्जी कार्ड बना के और जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिलने देके आप लोग मन मर्जी बिक्री कर रही है, बहुत गलत बात है। और दूसरी बात, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी जिसके पास बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, बड़ा बड़ा धन दौलत है, गाड़ी फॉर्चूनर स्कॉर्पियो जितने भी लोग हैं, नौकरी वाला लोग से मैं अपील करता हूँ आपका बीपीएल एएवाई छोड़ दीजिए। आप लोग किसी गरीब का पेट को लात मार रहे हैं, और बहुत सालों को हम अरुणाचल में देखे, और बहुत सालों मेरे पास लीज आया है कि आप लोग बहुत बड़ा बड़ा धनी आदमी है, बहुत बड़ा गाड़ी है, बंगला है, लेकिन बीपीएल एएवाई बीपीएल यूज़ कर रहा है, ये बहुत गलत बात है। आप सभी को मैं अपील करता हूँ प्लीज़ आप लोग बीपीएल सिलेंडर दे दीजिए। आप लोग बीपीएल कहने का वो नहीं है, आपका वजह से यहाँ में बीपीएल जो कोटा सिस्टम जो बढ़ गया है, बढ़ने के कारण से हमारा गरीब आदमी को जिसको बीपीएल मिलना था वो नहीं मिल रहा है। ये आप सबको सोच लीजिए कि आप किसी का पेट को लात मार के आप हंसी खुशी में खाना वो आपको भी हजम नहीं होगा। आप सबको मेरा एक छोटा सा अपील करता है, और फेयर प्रेस लोगों को मैं वो मेरा तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जहाँ तहाँ में कार्ड वार्ड बना के दूसरा का जिसको मिलना चाहिए नहीं मिला के आप लोग ज़बरदस्ती चावल को जमा करके रेट को हाई बना रहे हैं, और फेयर प्रेस शॉप और ये DSO लो फिक्सिंग करके रखने का बाद फिक्सिंग करके रख के कार्ड को बनाने नहीं बना के सिर्फ जितना फेयर प्रेस लो लेके आएगा वो लोग सिर्फ बना के रख के और ये चावल को खा रहे हैं। हम तो सुनने में आया है कि इतना DSO लोग घुस लेता भी है, बिल्कुल सुना है, पता नहीं कहाँ तक सही है, हम मालूम नहीं है कहाँ तक सही है और मालूम नहीं है। DSO लोग का कोटा होता है, DC लोग का चावल कोटा होता है। हमारा इस कमिंग में तो आम पब्लिक हम बहुत बार देखा है DSO का अलग चावल कोटा होता है, DC का अलग होता है, ये हमारा सपा में तो ऐसा ही है। और हम सपा का जो एक आदमी जो पूछ रहे कि सपा का चावल क्या, देखिए सपा का चावल को जिस दिन थे जब तक पहले साल में बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जिस बात में इस बार का जो जो ये क्या बोलते हैं कैरिंग चर्च का जो टेंडर हुआ था उसमें बहुत पॉलिटिक्स टच हुआ है, हमारे MLA मिनिस्टर लोग बहुत आके हाथ लगा के किसी अपना आदमी को देने दिया, अपना बोतल को, उसी के कारण चावल प्रॉब्लम हुआ है। तो ये आपको शॉर्ट बता रहा है कि सपा में अभी चावल और भी प्रॉब्लम है, बड़े समय में और भी प्रॉब्लम होगा, कि हम सुनने में आए कि सपा का चावल को स्कूल हॉस्टल में बिक्री कर रहा है, ब्लैक में बिक्री कर रहा है, सुनने में आ रहा है, ये कितना तक सही हमको पता नहीं है। और सपा का चावल को होटल में बिक्री कर रहे हैं और स्कूल में पूरा हॉस्टल में बिक्री कर रहा है, अभी इतना सुनने में आ रही है, इतना तक सही हमको पता नहीं है,
लेकिन छानबीन करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा बात आप सबको मैं ये तकसीफा का था, और दूसरा बात आप सबको मैं एक चीज अच्छा बात बताएगा कि हम लोग कामले डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा, और कामले डिस्ट्रिक्ट में हम लोग यहाँ से 27 को पहुँचेगा, और वहाँ में हमारा ये पंचायत लीडर लोगों ने एक ऑर्गेनाइज किया है, और ऑर्गेनाइज किया है, ये ऑर्गेनाइज किया कि वो लोग इस बार मनी कड़छल को इलेक्शन में बंद करना है बोल के और ऑर्गेनाइज किया है। मैं सभी को बहुत दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी ने हम सबको याद किया है, और हम उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करेगा। और एक छोटा सा एक आप सबसे मेरी कॉल, जितने भी कमले लोग का है वहाँ में, जिन विडो लोग का और जितना विडो है और विडो है और ओल्ड एज है, उन सभी का आधार कार्ड और पासपोर्ट दो दो लेके आइए। हम लोग ट्राई करेगा कि हम लोग वहाँ में वो लोग का काम कर देने के लिए। और दूसरी बात, जिस जिसको सचमुच बीपीएल मिलने का राइट है, उसको बीपीएल जे जो जो नहीं मिला है, उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपना लिस्ट बना के हम लोग को दे दीजिए, हम लोग यहाँ में अपील करेगा। और हम लोग इस बोल के रख भी चुका है, और कमले से हम लोग कमले में 27 को हम लोग मीटिंग बैठ के निकल के फिर 28 को फिर दापो पहुँचेगा। दापो में हम लोग का शुरुआत दापो से ही हुआ है, तो हम लोग दापो का जो भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग ख़त्म करने के लिए ट्राई करेगा। और हमारा साथ में दापो का जो सोशल एक्टिविस्ट लोग है और कुछ नारी आवास लोग हैं, तो उन सभी को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सब जितना भी सक्सेस हुआ है ये आप लोग का द्वारा से सक्सेस हुआ है। तो आप सबको मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, वहाँ का जितना सोशल एक्टिविस्ट है और पब्लिक, जितने अम्मा बाबा बूढ़ी बूढ़ा, उन सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ। हम लोग का लड़ाई ऑलमोस्ट हम लोग 70% जीत चुका है, 80% और 30% ये लड़ना है कि हम लोग डीसी को इम्प्लीमेंट कराना है वहाँ में डापो में जाके। और फेयर प्राइस शॉप आप सब भी मीटिंग के लिए रेडी कीजिए, अगर मीटिंग में अगर डीसी बोला तो आप लोग भी आइए। हम आप लोग से यही पूछते हैं कि आप लोग किस हक से चावल, गरीब आदमी से चावल खाने का राइट बनता है। और दूसरी बात, जो गैस एजेंसी है वहाँ का गैस एजेंसी है, अब आप 1500 भी कहता है और किसी किसी को 2000 कहते हैं, अब ये बताना पड़ेगा कि अब किस बेसिस में 1500 2000 रुपया कहते हैं। और मेरी छोटा सा ये आप जो को इंफॉर्मेशन है, और स्पेशली मैं करा दादी करूँ कम तेजू, उसके बाद अब बसर और आलू और ये क्या बोलते हैं इसकमिंग बाकी कैसे, उन सभी के लिए मैं स्पेशली मैं बोल रहा था कि हम वहाँ तक आने सकने से आएगा आके, और वहाँ का जो ओल्ड एज पेंशन है, उसके बाद बीपीएल एवाई है, जो जो जिसको जिसको मिलने का हक था उसको नहीं मिला उसको करेगा बोल के, लेकिन कुछ समय का कमी कारण थे और फाइनेंशियल प्रॉब्लम कारण थे हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। उन सभी को मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करता है, जो जो वहाँ में सोशल एक्टिविस्ट होता है और शायद नारी आवास भी होता होगा हर डिस्ट्रिक्ट में, तो सोशल एक्टिविस्ट लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ आप लोग जाके बूढ़ा लोग का घर में जाके आप पासपोर्ट तो बना के उसके बाद आधार कार्ड लेके आप डिपार्टमेंट में जाइए, वहाँ में भी डिपार्टमेंट में जाके आप लोग बात कर दीजिए, और बात करके अगर नहीं मानता है तो हम लोग आने के लिए रेडी करेगा, चाहे हम लोग के पास रुपया नहीं हो चाहे जो भी जैसे भी आने हम लोग पहुँचने के लिए रेडी करेगा अगर डीसी नहीं मानते तो। और हम लोग का यहाँ में डीसी लोग क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम है यहाँ का डिपार्टमेंट में, जो जो यूज़ करता है वो पता नहीं चलता है कि वो पता नहीं है कि जो डिपार्टमेंट में बैठा है, जो चाहे डीसी हो चाहे लेबर हो चाहे जो भी हो, वो हम लोग का पब्लिक का सेवा के लिए बैठता है, लेकिन चेयर में बैठने का उसको चेयर करना था इतना पड़ जाता है कि हम लोग का पब्लिक को ही भूल जाता है, पब्लिक को आने नहीं देता, ऑफिस में आने देता, पब्लिक को अच्छा से बात नहीं करता। ऐसा ऑफिसर को सब पब्लिक लोग मिल के लगना है, उसको लड़ना है, चाहे जो भी हो जैसा भी उसको हटाना है। पब्लिक भी ऑफिसर को समझाना बहुत ज़रूरी है, लोकतंत्र की देश है, इस देश में पब्लिक का राज चलता है, इस देश में ना ही डीसी का राज चलता है ना एसपी का, इस देश में संविधान में यही लिखा है कि जो पब्लिक में जो पब्लिक जो हमारा आम जनता जैसे जैसे सही को बोलेगा, और जो लो का एंगेज नहीं करके लो का सही लो में जाएगा उसका बात मानना है। हमारे यहाँ में डीसी भी बहुत है, फॉर एग्जांपल मैं तालोपतम का ही नाम ले लेता हूँ, तालोपतम को देखिए, बच्चा जैसे यहाँ में हरकत करके घूमता है और डीसी पोज जैसे नहीं बैठते हैं, ऐसे ऐसे क्या क्या बच्चा लोग का साथ करता है, वीडियो बनाता है, क्या क्या लाभ बैठ क्या क्या मस्ती दे के घूमते हैं, ऐसा नहीं होना है कि उसको जैसे उसको पद देता है जैसे उसको नौकरी है ऐसा होना चाहिए, वो अपना नौकरी करना चाहिए, ता ना कि वो डीसी बना है बोल के पब्लिक को तंग करना, ऐसा नहीं। हम बहुत देखा है कि डीसी है और जो जो बहुत ऑफिसर है जो हमारा पब्लिक आम जनता को बहुत तंग करता है, तो मैं पब्लिक से भी ये रिक्वेस्ट करता है कि अगर नहीं मानता है तो हम लोग आने के लिए रेडी है, और हम लोग उस डिस्ट्रिक्ट में ही बैठ के लड़ने के लिए रेडी है। तो आप सभी को एक छोटा सा मैसेज है, आप इसको शेयर कर देना, स्पेशली कमले में हम लोग, और ये रिपीट कर रहे हैं कि कमले में हम लोग 17 में आएगा,
और वहाँ में मनी कर्चल का एगेंट में हम लोग डिस्कस करेगा, उसके बाद दापो जाएगा और कमले का अम्मा बाबा जितने भी बूढ़ी बूढ़ा है और आप सबका आधार कार्ड और 2 पासफोटो रेडी कीजिए, हम लोग आएगा। और जिसका जिसका पास फोटो नहीं है तो हम ट्राई करेगा हम फोटो खींच के हम पास फोटो बना देने के लिए। और आप सबको मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ और डापो का लोग को भी, आप लोग ये जीत जो अगर हम लोग सक्सेस होता है तो अच्छी बात है, तो आप सबको मैं शेयर कर दीजिए और इसको वहाँ तक पहुँचा दीजिए। इतना ही, थैंक यू।